फोटो नामांकन की पुरानी फोटो अखिलेश यादव ने शेयर की और ये लिखा है कि फिर इतिहास दोहराया जाएगा, नया भविष्य बनाया जाएगा। पुरानी फोटो के साथ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाएगा और अब नया भविष्य बनाया जाएगा। आपको बता दें 2019 की अगर बात करें तो सुब्रत पाठक जीते थे और डिंपल यादव हार गई थी। इस बार अखिलेश यादव यहां से चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं, 12 बजे नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने एक पुरानी फोटो शेयर की और ये फोटो जो है वो नामांकन के दौरान की बताई जा रही है। नामांकन की पुरानी फोटो उन्होंने शेयर की जिसमें वो ये दावा करें कि फिर इतिहास दोहराया जाएगा, अब नया भविष्य बनाया जाएगा। तो अब नया भविष्य बनाया जाएगा, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये वो पुरानी तस्वीर जिसको शेयर किया है, एक्स पर पोस्ट किया है अखिलेश यादव ने और कहा है कि नया भविष्य बनाया जाएगा, इतिहास दोहराया जाएगा, यानी जीत का दावा एक तरह से करते अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं। हालांकि क्या होगा ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन दोपहर में नामांकन भरेंगे उससे पहले की ये तस्वीर जो उनकी तरफ से पोस्ट की गई है। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब हैदराबाद की कर लेते हैं, जहां लोकसभा सीट का रण बेहद रोमांचक हो गया है क्योंकि कांग्रेस ने यहां से मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को और रोमांचक बना दिया है। वहीं ओवैसी के सामने गढ़ बचाने की अब डबल चुनौती हो गई है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। सीट पर चुनावी शंखनाद हो चुका है। बीजेपी इस बार हैदराबाद का निजाम बदलने की कसम खाकर मैदान में उतरी है। बीजेपी प्रत्याशी और फायर ब्रांड नेता माधवी लता जिस अंदाज में चुनाव प्रचार कर रही हैं, उससे असदुद्दीन ओवैसी की नींद उड़ी हुई है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि यहाँ की राजनीति करवट ले रही है। बीजेपी ने यहाँ अपनी सीटें बढ़ाने के साथ ही वोट प्रतिशत को दोगुना कर लिया है। इस बार के संसदीय चुनाव से तय हो जाएगा कि दक्षिण की ओर बढ़ रही बीजेपी का भाग्य माधवी लता के जरिए भाग्यनगर में चमकता है या नहीं। माधवी लता के धुआंधार प्रचार से AIMIM पहले ही घबराई हुई थी, लेकिन अब कांग्रेस ने ओबीसी भाइयों की चिंता और बढ़ा दी है। हैदराबाद सीट पर कांग्रेस ने मोहम्मद बलीलुल्लाह समीर को उतार कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। हैदराबाद सीट पर अल्पसंख्यक वोटरों की तादाद के दम पर यहां असदुद्दीन ओवैसी की अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस ने बलीलुल्लाह को उतार कर ओवैसी के जातीय समीकरण में सेंधमारी की कोशिश जरूर की है। वहीं बात माधवी लता की करें तो सोशल वर्क के जरिए उन्होंने मुस्लिम महिलाओं पर अपनी पकड़ मजबूत की है। हैदराबाद सीट पर बीजेपी और कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन असदुद्दीन में अपना गढ़ बचाए रखने का डर साफ देखा जा रहा है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी चुनाव में बैकअप प्लान लेकर चल रहे हैं। उन्होंने पार्टी की दावेदारी बरकरार रखने के लिए अपने साथ साथ भाई अकबरुद्दीन का भी नॉमिनेशन कराया है। ओवैसी नहीं चाहते कि अगर उनके नॉमिनेशन में कोई गड़बड़ी होती है तो उनकी पार्टी मैदान से ही गायब हो जाए। पिछले 4 दशक से हैदराबाद सीट पर ओवैसी परिवार का ही कब्जा है, जिसकी बड़ी वजह है यहाँ का जातीय समीकरण। हैदराबाद अल्पसंख्यक बहुल लोकसभा सीट है। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 11,55,000 है, जो कुल मतदाताओं का करीब 59% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस सीट पर 82,233 SC मतदाता हैं, जो कुल मतदाताओं का करीब 4.2% है। ST मतदाता लगभग 25,453 हैं, जो लगभग 1.3% है। 2019 के संसदीय चुनावों के आंकड़ों के मुताबिक हैदराबाद लोकसभा सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 19,57,931 है। 59% अल्पसंख्यक वोटर ही ओवैसी की असली ताकत माने जाते हैं। इसी ताकत को अपनी ओर खींचने के लिए कांग्रेस ने मुस्लिम चेहरे और हैदराबाद जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष मोहम्मद वलीलुल्लाह समीर को मैदान में उतारा है। बीजेपी भी इस जातीय किले में सेंधमारी के लिए अलग रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल बीजेपी आरोप लगाती रही है कि हैदराबाद में बोगस वोटरों के दम पर ओवैसी जीतते रहे हैं। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की, एक्शन हुआ और जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे।
इस बार कुल 5,41,201 मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया गया है। जनवरी 2023 से हैदराबाद जिले के 15 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 47,141 मतदाता मृतक लिस्ट में हैं। 4,39,801 स्थानांतरित मतदाता और 54,259 फर्जी मतदाता पाए गए जिन्हें अब सूची से हटा दिया गया है। बीजेपी इन्हीं वोटरों को बोगस वोटर बताती रही है। सियासी पंडितों की माने तो करीब 5 लाख फर्जी मतदाता हटने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान मौजूदा सांसद को ही होगा। वहीं मैदान में कई मुस्लिम प्रत्याशियों के उतरने से AIMIM का वोट बैंक खिसकना तय है। अब देखना ये होगा कि अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए ओवैसी कौन सा सियासी पैंतरा अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बिहार की पटना की। बिहार की पटना में लोगों का रुख क्या कह रहा है, आखिरकार कौन सी पार्टी जीतने जा रही है। पटना के लोगों से बातचीत की रिपब्लिक भारत की टीम ने, आइए आपको दिखाते हैं लोगों ने क्या हिंट दिया। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियां अपने अंतिम चरण में और इस वक्त हम पाटलिपुत्रा लोकसभा के एक ग्रामीण इलाके में, नेवरा ये इलाका है, देखिए बाजार में हम पहुंचे हैं और हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो हिंट क्या दे रहे हैं। भैया हिंट क्या दे रहे हैं, क्या होगा यहाँ आपके लोकसभा क्षेत्र में? हमारे लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर मोदी जी कमल खिलाएंगे। आज दिल क्या कह रहा है, अगर प्रधानमंत्री चुनना है बीजेपी बिहार में, और भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी, RJD जीतेगा। RJD इस बार दिल क्या कह रहा है, हिंट क्या दे रहा है? सही दिल वही कह रहा है जो हम लोग का दिल है। और दिल में क्या आएगी वो तो मोदी जी हमारे दिल में है तो मोदी जी यहीं आएंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जितना ही मुद्दा था चुनाव लड़ने का उस सारे विपक्षियों को मोदी जी के नेतृत्व में सारा ध्वस्त कर दिया गया। आप देखिए धारा 370 पर लोग चुनाव का बहुत बहुत हिंदू मुस्लिम का भेदभाव रखते थे। आप मुझे बता दीजिए अब की बार 400 पार या कांग्रेस के नहीं आ पार? नहीं, आपकी 400 पार है। 400 पार, हाँ। तो कांग्रेस जो कोशिश कर रही है आप देख रहे हैं, एफर्ट लगा रही है, नारेबाजी, मुर्दाबाद, हिटलर उपनाम दे रही है मोदी जी को। वो डर का बौखलाहट है उसके, और कोई मुद्दा उसके पास है नहीं। जनता सब जान गई है, पब्लिक सब जानती है। इस बार क्या लग रहा है कौन आएगा? ये आएंगे, कोई नाम है, रामकृपाल यादव। प्रधानमंत्री चुनना हो तो? प्रधानमंत्री यानी कि बीजेपी को मोदी बाबू। अगर मोदी जी जिस तरह का भाषण देते हैं तो बच्चा बच्चा लोग भी उनकी भाषण पर चुप होकर उनकी भाषणों को सुनता है। अब विपक्ष के नेता जितने भी भाषण देते हैं वो लोग यानी कि बच्चे लोग भी नहीं सुन पाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है इस बार? इस बार 400 पार। 400 पार। 400 पार। मोदी जी के लोग कहेंगे क्या, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहे हैं। पहले वो अपने परिवारवाद से निपट ले, उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं, पहले अपने वाड्रा जी से निपट ले, उसके बाद मोदी जी पर आए।